नमस्कार, मैं त्रिशाली मगर एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत। खेतियों का नुकसान हुए किसानों को 1,07,99,115 रुपए देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। राज्य में अप्रैल और मई महीने में हुए लगातार बारिश के वजह से नुकसान पर किसानों को 11,07,99,115 रुपए देने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। इस फैसले से 17,171 किसानों को इसका फायदा होने वाला है। अप्रैल महीने में हुए लगातार बारिश के कारण बड़े पैगामे पर फल और सब्जी फसलों का नुकसान हुआ था और अप्रैल में राज्य के 5,093 हेक्टेयर क्षेत्र बाधित हुए थे। महसूल और कृषि विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों ने किए गए संयुक्त पंचनामा के अनुसार फसलों का 73% और इससे अधिक नुकसान हुए किसानों की मदद की जाएगी। यह मदद निधि बाधित किसानों के बैंक खाते में जमा होगा, ऐसी जानकारी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। बैंक खाता खोलने के लिए और सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के प्रवर्तन संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब आपको बैंक खाता खोलने के लिए और सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। यदि बैंक और दूर संचालन कंपनियां पहचान पत्र और पत्ता सत्यापन के लिए आधार कार्ड जारी करने के लिए ग्राहकों पर दबाव डालते हैं तो उन्हें 1,00,00,000 रुपयों का जुर्माना भरने की जानकारी सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। सिडकों के 14,856 नगरों में से बचे हुए घर नए वर्ष में बेचने का फैसला सिडको ने लिया है। केंद्र सरकार की गृह योजना के तहत तैयार की जाने वाली 14,856 घरों में से 13,738 घरों की अक्टूबर महीने में सफलतापूर्वक सड़क निकालने के बाद इन महागृह निर्मिति में बचे हुए 1,100 घरों को सिडको ने नए साल के पहले महीने में इन्हें बेचने का फैसला लिया है और सिडको के कर्मचारी, पत्रकार, प्रकल्पग्रस्त, माथाड़ी कामगार इस संबंधित ग्राहकों के लिए आरक्षित रखी गई तलोजा में होने वाले घरों की बिक्री न होने से इन्हें भी फिर से बेचने का फैसला सिडको ने लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। अब पश्चिम रेलवे के ट्रेनों में वाईफाई की सुविधा शुरू करने का निर्णय पश्चिम रेलवे ने लिया है। मोबाइल और इंटरनेट हम सभी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोबाइल द्वारा बिजली से लेकर सभी तरह के काम पूरा कर सकते हैं। परंतु मुंबई की लाइफलाइन होने वाली लोकल में कभी कभी मोबाइल रेंज जाने के कारण बहुत से यात्रियों का काम रुक जाता है। यात्रियों की यह परेशानी रोकने के लिए पश्चिम रेलवे ने लोकल में वाईफाई बिठाने की योजना तैयार की है और यह फैसला प्रवासियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। लड़कियों की शिक्षा और उनके विवाह व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार के इस योजना में और सुधारणा करने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। लड़कियों की शिक्षा और उनके विवाह के व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2014 में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की है। ग्राहकों ने इसका पूरा लाभ उठाया है। केंद्र सरकार ने इस योजना में और सुधारणा करके नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला ब्याज दर बढ़ा के 8.5% किया है। 1 अक्टूबर से नए ब्याज दर लागू हुए हैं और ग्राहकों को इस ब्याज दर की वजह से बड़ा फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। प्रकल्प बाधितों के प्रोत्साहन भत्ता योजना की मुदत 15 जनवरी 2019 तक बढ़ाने का निर्णय सिडको ने लिया है। नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रकल्प और अनुषांगिक कामों की वजह से स्थलांतरित होने वाले प्रकल्प बाधितों के प्रोत्साहन भत्ता योजना की मुदत 15 जनवरी 2019 तक बढ़ाने का निर्णय सिडको ने लिया है। यह मुदत बाढ़ अंतिम होगी और इसके आगे कभी मुदत बाढ़ नहीं होगी, ऐसा सिडको ने स्पष्ट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। आज के समाचार में इतना ही। नमस्कार।